वेलकम टू माई चैनल गुड़िया फैमिली ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। तो आज थोड़ा सा ना मैं कुछ आप लोगों से रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पूरा अच्छी डिटेल में तो नहीं करूँगी, बट हाँ उतना कर दूँगी कि आप लोग बना सकेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है और ठंड के मौसम में ही खासकर वो ज़्यादा चलती है। तो और लगभग सब लोग जानते भी हैं, लाइक मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैं जा रही हूँ लाई बनाने। मुरमुरे की लाई बनती है ना, जो हमारे यहाँ शुद्ध बिहारी देसी भाषा में बोले तो तिलवा, मुढ़ी का तिलवा। जी हाँ, मुढ़ी का तिलवा बोलते हैं हम लोग तरफ। बहुत लोग तरफ लुढ़ैया बोलते हैं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में लुढ़ैया बोलते हैं, कहीं कहीं लाई भी बोलते हैं, बट हमारे तरफ, हमारे गांव तरफ ना तिलवा बोला जाता है हमारे गांव तरफ। बाकी बहुत अलग अलग शब्द हैं बोलने का, लेकिन मुझ हमारे गांव तरफ ना तिलवा बोला जाता है। चूड़ा का तिलवा, मुढ़ी का तिलवा, मेथी और ये सब जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, बहुत अच्छी लगती हैं, खासकर इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में ना बहुत अच्छी लगती है। और जैसे कि हमारा यहाँ मतलब होता है कि 14 को खरमास लग जाता है, तो उसके पहले थोड़ा सा शगुन कर देते हैं बना के, क्योंकि उसके बाद ना जनवरी में मकर संक्रांति में तो खरमास में ही बनाया जाता है, तो पहले शगुन कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं भी वही करने वाली हूँ, 2-3 पैकेट मुढ़ी मंगा कर, और आप लोग भी मुरमुरे भी उसको बोल सकते हैं, ऐसे मुढ़ी बोलते हैं, और उसका लाई हम बनाएंगे, तिलवा बनाएंगे, तिलवा। तो वही आज बनाने वाली हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ऑलरेडी लंबा हो जाएगा वो रेसिपी शेयर करूँगी तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कही कि चलिए सामने से थोड़ा सा बात भी कर लूँ और आप लोगों को बता दूँ। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर मेरे चैनल पर जो भी नए आ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचता रहे, जो भी वीडियो डालूँ ना फटाक से पहुँच जाए। अभी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालने वाली हूँ। अभी 25 दिसंबर आ रहा है, न्यू ईयर आने वाली है, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं डालने वाली हूँ। तो इस वजह से सब्सक्राइब करेंगे तब तो देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके तरफ से क्या क्या कहा जाता है और कैसे बनता है, हमारे तरफ कैसे बनता है, चलिए मैं आपको आज दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स से देखिए किचन में आ गया और ये देखिए, ये है मुरमुरे यानी मुढ़ी। तो मैं पैकेट मंगाई थी, 4 पैकेट मंगाई थी, एक पैकेट एक पाव का था, तो 1 kg मुढ़ी मंगाई थी और लगभग 1 kg गुड़ डाले थे। गुड़ देखिए आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पर पहले इसे मैं एक प्लेट में निकाल के झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि अंदर में ना थोड़े से कचड़े होते हैं, तो उसको ना ऊपर ऐसे करके कर तो अंदर अपने आप जो है ना बैठ जाता है। तो ऐसे ही करके मैं मुढ़ी को मतलब मुरमुरे को झाड़ लूँगी और झाड़ के अच्छे से इसको एक गमले में निकाल लूँगी। अपना मेरा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया था, अपना जितना बड़ा बर्तन हो ना उतने बड़े बर्तन में उतने अच्छा ही बनेगा, क्योंकि उसको ना बहुत अच्छे से ठंडा करना पड़ता है गुड़ का, तो दिक्कत हो जाती है। तो उस हिसाब से ये देखिए यहाँ पे मैं ना सारे एक बर्तन में निकालूँगा, और इसमें भी नहीं होगा, मैं एक बड़ा बर्तन में निकालूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ, इसको मैं मिला रही हूँ अच्छे से, और ये बर्तन भी मेरे लिए छोटा पड़ गया था, तो क्योंकि मैं 4 पैकेट मंगाई थी तो 1 kg हो गया था, तो इस वजह से मैं कोई बड़ा बर्तन में, देखिए ये देखिए पीतल का बड़ा बर्तन है, तो इसी को मैं निकाली। और इसमें देखिए तिल मैं डाल रही हूँ, काली तिल है, इसे ना मैं एक दिन पहले धुल के साफ़ करके भूंज के रख दी थी। तिल जितना डालिएगा ना उतने ही लाई अच्छी बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तिल डालिएगा ना लाई बहुत सुंदर लगती है। तो मैं तिल का मात्रा बहुत ज़्यादा डाली हूँ, मैं ना 150 ग्राम तिल मंगाई थी और 150 ग्राम तिल मैंने इसमें डाल दी थी सारा, मतलब 1 kg मुढ़ी में। तिल वाला ज़्यादा तिल रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है अगर लाई बनाओ तो, और मकर संक्रांति के समय फिर मैं तिल मंगाऊँगी, तो उसको ही तिलवा के भूज के रख दूँगी, और तिल को धुल के सुखा के भूज के रख दिए। तो यहाँ पे देखिए मिक्स कर ली हूँ, अब चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए मैं एक कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। इसमें देखिए हमें, मैं 1 kg मुरमुरे की लाई बना रही हूँ तो उसका अंदाज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैं अपने पानी पीने वाले से 1 कप में पानी डाली हूँ और ज़्यादा पानी नहीं डालूँगा, और 1 kg गुड़ है, मैं और थोड़ा सा बाद में डाली थी लेकिन उसकी क्लिप मेरे से डिलीट हो गई है। तो 1 kg गुड़ मैं थोड़ा सा, 1 kg गुड़ में समझिए एक आध मतलब जो गोली होती है ना वो कम डाली हूँ,
तभी लाई अच्छी बनेगी। देखिए लाई आप चाहे तो 1 केजी में आधा किलो गुड़ भी डाल के, 500 ग्राम गुड़ भी डाल के बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए गुड़ मेरा गल रहा है, और एक पाव भी डाल सकते हैं, वो बन जाती है। लेकिन मीठी अगर आपको अच्छी लाई खानी है ना, तो आप बराबर गुड़ डालेगा ना, तब जाके अच्छी बनेगी। और सच में मेरी लाई बहुत अच्छी बनी थी, तो वही सब मैं दूसरे दिन कर रही हूँ ना, बहुत गुड़ अच्छे से डाला था। तो यहाँ पे देखिए इसको हमको पाग को सबसे बड़ी बात रीजन होती है लाई में पाग देखना। पाग जो ये गुड़ का हम बना रहे हैं ना सीरा, इसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये आपकी अच्छी बनी तो ही लाई आपकी अच्छी बनी। तो यहाँ पे देखिए मेरी गुड़ का पाग जो सीरा ना, आपको ना अपने आप कढ़ाही में से ना गुड़ छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे कढ़ाही से गुड़ छोड़ा, तो एक कटोरी मैंने पानी डाल लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा ये डालूँगी। और ये जब आपके हाथों में अच्छे से गोली बन जाएगा ना, तो समझिए कि हमारा परफेक्ट तरीके से होता है। देखिए कितना अच्छे से गोली बन रहा है। अगर ज़्यादा हार्ड कर दी जाए तो लाई बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, तो हमें लाई को टाइट भी नहीं चाहिए और एकदम सॉफ्ट भी नहीं चाहिए। तो ये जब देखिए कढ़ाही से कैसे देखिए छोड़ रहा है, एकदम गोली अपने आप होने लगता है और कढ़ाही से ना बिल्कुल छोड़ने लगेगा। सबसे मैंने सीरा का गुड़ का सीरा का यही नियम है लाई के लिए, कढ़ाही में से ना गुड़ छोड़ने लगेगा, दम जैसे लगेगा ना कि अपने आप अंदर में गोली बना रहा है। और उसको पानी में थोड़ा सा डाल के देख लीजिए, जब लड्डू लेखा बनने लगे ना लड्डू की तरह, तो समझिए कि हो गया। यहाँ पे मेरा सीरा हो गया है, मैं बंद कर दी गैस को। और अब ये देखिए यहाँ पर मैं ला रही हूँ इस परात में, देखिए तिल नीचे सारा चला गया है। और ये देखिए ऐसे में हम डाल देंगे। ऐसे डालने के बाद ना इसे गर्म हाथों से बिल्कुल मत छूइएगा फ्रेंड्स, नहीं तो गुड़ का सीरा है ना तुरंत हाथ में पकड़ के बहुत मतलब खतरा हो सकता है। खतरा के हाथ में गुड़ लग जाएगा तो चमड़ा स्किन निकल सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बर्तन की हेल्प से छोलनी या एक मतलब स्पून की हेल्प से आपको यहाँ धीरे धीरे पहले चलाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे चला रही हूँ कि मेरा गिरे भी नहीं, और अच्छे से पहले आपको गुड़ को मिलाना है। तो आप ना एक मतलब जैसे ये पलटा है ना, इसी की हेल्प से आप ना पूरा अच्छे से गुड़ और लाई को मिक्स करिएगा पूरा अच्छे से, जैसे हम सब्जी चलाते हैं ना उस तरीके से, देखिए बहुत अच्छे से। और यहाँ पे नीचे गिर रहा है तो नीचे का मतलब, क्योंकि मैंने फर्श साफ़ कर रखी थी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हम इसे मिलाएंगे और थोड़ा सा मतलब ऐसे कर देंगे ताकि ठंडा हो जाए। अब देखिए यहाँ पर मेरा ठंडा हो रहा है, लेकिन पूरा भी ठंडा नहीं होने देना है, हल्का सा गर्म रहे। और हाथों में पानी लगा लगा करें ताकि मतलब ना चिपके नहीं हाथ में। तो यहाँ पे देखिए मैं हाथों में पानी लगा लगा, इसे तेल लगाते हैं ना इसे हाथ में, पानी की तेल की जगह पानी हाथ में लगा लें। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आधा, लेकिन हल्का पानी लगाने तो ख़राब हो जाएगा मुरमुरे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, आपको कुछ इसी तरीके से मिक्स करना है दोस्तों। अगर आप अच्छे से मिक्स करेंगे तभी आपकी लाई जो गुड़ जो है ना पूरा अच्छे से निकलेगा। ये देखिए कहीं कहीं गुड़ मेरा, देखिए ऐसे कर रही हूँ, ऐसे ही आपको गुड़ को बर्तन की हेल्प से पूरा ऐसे से मिला लेना है लाई और गुड़ को, ताकि लाई और गुड़ ना एक आपस में खूब अच्छे से मिल जाए। मेरा ये भी बर्तन थोड़ा छोटा पड़ चुका था, आप और इससे भी बड़ा बर्तन लीजिएगा। मैं जब मकर संक्रांति की बनाएंगे तो उसमें भी वीडियो डालूंगी। देखिए तो बहुत अच्छे से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, और नीचे से मतलब ना निकाल निकाल के डालेंगे क्योंकि नीचे ना बैठ जाता है तिल वगैरह। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है ना, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना। सच में दोस्तों बहुत टेस्टी बना था लाई, मतलब बहुत परफेक्ट बना है, बिल्कुल ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, परफेक्ट बना। आपको ना सीरा परफेक्ट बनाना है, अगर आप सीरा परफेक्ट बना लेंगे ना तो आपका लाई ना बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो सीरा जैसे मैं दिखाई ना पैसे एकदम कढ़ाही से छोड़ने लगा अपने आप, आपको महसूस होगा ना दिखने में लगेगा कि कढ़ाही से मतलब छोड़ रहा है। और ज़्यादा टाइट करिएगा तो लाई थोड़ी टाइट बन जाएगी, इसलिए देखिए ज़्यादा नॉर्मल ही रख रहे। देखिए यहाँ पर मैं पलटे की हेल्प से कर ले, अब हाथों से इसे ना ऊपर ऐसे ऐसे उठा के मतलब करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि लाई बांधने में। तो देखिए एक बार गोली बना गया ना, बहुत अच्छी लाई बन जाएगी आपको। और बनाने का ऊपर है, मुझे भी नहीं आती थी तो मैं माँ से पूछती थी, भाभी से, मैं कभी लाई नहीं बनाती थी, मुझे आती नहीं थी, मैं खरीद के ले लेती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से मैं बनाना सीख गई हूँ। तो एक बार ख़राब होगा, 2 बार ख़राब होगा, 3रे बार हम सीख ही जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप पूछिए, देखिए नीचे मेरा तिल बैठा हुआ है तो उसे मैंने अच्छे से पलटे की हेल्प से पहले से मैं ठंडा कर लूँगी। ऐसे ही आपको उठा उठा के ठंडा कर लेना है। और ये देखिए ठंडा करके मैं इसे दबा दी ताकि इतना भी ठंडा ना हो जाएगा कि मेरा लाई बन ना सके। अब इसमें हाथ में हम हल्का हल्का पानी लगाएंगे, बिल्कुल जैसे तेल लगाते हैं वैसे हल्का सा हाथ में पानी लगाएंगे, और कुछ इस तरीके से हमें गोल गोल बनाना है। ये देखिए अपने हाथों पे लेके कुछ इस तरीके से ही हमें गोला कर लेना, थोड़ा दबा दबा करना है ताकि देखिए कितना सुंदर बन गया लाई, ताकि मेरे हाथों मैंने अपने हाथों से अच्छे अच्छे से गोल गोल से बन जाए। तो ये देखिए बिल्कुल गोल गोल से लाई हमारे बन रहे हैं। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारी लाई जो है देखिए परफेक्ट तरीके से बनी है,
और ऐसे ही लाई का मतलब होना चाहिए परफेक्ट तरीके से, तब लाई बहुत अच्छे से बन जाती है। तो ये देखिए बहुत सुंदर सी लाई बन गई है, मैंने कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बोलो सब ऑन कैमरा सारा कुछ दिखाया है दोस्तों। तो ये देखिए देख रहे ना, मैं इसी तरीके से सारी लाई बना ली। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैं डुगू के लिए बनाई हूँ, क्योंकि छोटा है ना तो छोटे से हाथों में लेके छोटा छोटा लाई खाएगा, और ये उसके लिए बनाई हूँ। और यहाँ पे मेरी लाई रेडी हो चुकी है। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय। बहुत अच्छी लाई बनी थी, एक बार आप मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स।